ओके, घर में या स्कूल में बचपन में क्या कहकर चिढ़ाया जाता था? कोई चिड़ोगी उनकी मतलब? लंबू चिड़ तो नहीं है यार ये? नहीं, क्योंकि उस एज में आपको समझ में नहीं आ रहा होता. उस एज में आपको लगता है कि आपकी तो सारी दोस्तें इतनी इतनी हैं, तो आप अलग से एक अलग पोल टाइप लंबी सी लग रही है ना. पोल टाइप. और मैं तो बहुत सूखी थी, बिल्कुल कांटा सूखी लंबी, और धूप में खेल खेल के बिल्कुल ब्लैक आउट. तो ना सब लंबा डंडा कुछ इस तरह करके ना बोलते थे. ठीक है, हॉलीवुड से अगर फिल्म की ऑफर है तो क्या रिएक्शन होगा? हैरान होंगी, खुश होंगी, परेशान होंगी? खुश होंगी, ऑफ कोर्स खुश होंगी, बहुत खुश होंगी, बहुत खुश होंगी, हाँ, बहुत डांस करने लगूंगी. ओके, किस मॉडल को देखकर लगता है कि इसे डांसर होना चाहिए था? डांसर अच्युति रैम क्यों कर रही है? इरज. इरज, इरज मंजूर, राइट? इरज मंजूर. बहुत आपको मतलब उनकी बॉडी में लचक ऐसी है कि वो बहुत अच्छा डांस करती होंगी. आई डोंट नो, आपने नहीं देखा? नहीं, मैंने कभी पूछा भी नहीं. अच्छा, मैं इन लोगों से बहस नहीं करती. प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या एक्टर जो आप साथ में काम करते हो, कोई एक्टर्स? नहीं, अगर कोई बात बहस करने वाली होगी तो करूंगी ना. तीनों से कर लेंगी? हाँ, छोड़ेंगी किसी को भी नहीं? भाई अगर कोई ऐसी बात हो रही है कि अगर वो कैरेक्टर समझा रहे हैं और मैं कह रही हूँ नहीं इसमें ऐसा होना चाहिए, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो उनको बताऊंगी ना. हाँ, अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही होगा तो फिर मैं चुप हो जाऊंगी. ठीक है, ओके जी. इनकी खूबसूरती के लिए एक वर्ड आपने कहना है. मायरा खान खूबसूरत. हानिया आमिर बबली. बबली. सजल अली एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. कितनी बार ऐसा हुआ कि जब रैंप पे चलते हुए आप लड़खड़ा गई हूँ? बहुत दफा नहीं, लेकिन आई थिंक 3-4 दफा. गिरी है आपको? मैं गिरी इन अ सेंस इस तरह हूँ कि मैं वो फिनाले में जब सब एक साथ आते हैं ना, शुक्र है सबसे पहले नहीं थी, बीच में गई थी. तो उसमें पता नहीं क्या हुआ, मैं एकदम से गिरी. पीछे एक वो मॉडल, मेल मॉडल था, उसने मुझे पकड़ लिया फौरन से, उसने मुझे एकदम सीधा कर दिया. तो वो किसी को पता नहीं चला क्योंकि वो लाइन में थी ना. वो वीडियो वगैरह नहीं है? नहीं नहीं नहीं, किसी ने नोटिस भी नहीं किया. समझ लीजिए एक तरह का ये तो बहुत बड़ा वो होता होगा कि आप रैंप पे अगर सिंगल वॉक कर रहे हैं और आप गिर जाएं, एम्बैरेसमेंट तो बहुत होती होगी ना. हाँ, आई एम श्योर होती होगी, लेकिन ये तो काम है ना आपका, तो आपको उसी तरह ग्रेसफुली उठ के फिर दोबारा कैरी करना है. कुछ नहीं हुआ, आप लोगों ने देखा पहन था. हाँ, बहुत सारी मॉडल के साथ हुआ भी है. ओके जी, कौन सा फैशन है जो आप कभी भी नहीं करना चाहेंगी? वो कौन थी वो जो डक का कॉस्ट्यूम पहन कर रही थी? डक का नहीं पता मुझे, वो प्रियंका चोपड़ा की चुड़ैल याद है. अरे वो फिर भी सही है, लेकिन वो जो डक वाला था ना, मुझे याद नहीं आ रहा किसने पहना था, लेकिन उसकी पूरी चोंच भी बनी हुई थी. एनिमल गेटअप वाले कपड़े नहीं पहने हैं? ठीक है जी, ओके. परेशानी में स्टेटस लगा के दिल का हाल बयान करती हैं या दिल में ही छुपा लेती हैं? दिल में ही रख लेती. नहीं, एक्सप्रेस नहीं करती इतना. ओके जी, इन्हें क्या टाइटल देना चाहेंगी आप? फैसल कुरैशी वर्सेटाइल. वर्सेटाइल. फवाद खान हैंडसम. हैंडसम. एहसन खान प्रिटी. फहद मुस्तफा talented. talented. okay जी, इन मॉडल्स को आपने रैंक करना है from best to worst. नादिया हुसैन रबाब, आमना इलियास, महरीन सैयद, अरीबा हबीब, विनीजे एंड इरज. best to worst नहीं कहूंगी, लेकिन वैसे आपके शो की वजह से नंबरिंग कर देती हूँ. फॉर मी इरज विल ऑलवेज बी नंबर वन. नंबर वन, बिल्कुल. एंड देन विनी. विनी. नादिया. नादिया. महरीन. महरीन. आमना इलियास. रबाब. आमना इलियास. और कौन है? अरीबा हबीब. अरीबा. अरीबा इज अ वेरी गुड फ्रेंड. अरीबा तुम समझ गई होगी है ना, ये तुम नंबर वन पे हो. इंडस्ट्री में अपने बारे में कोई ऐसा रूमर सुना जो आपने कहा कि ये क्या यार? नहीं, मेरे बारे में ऐसे सच रूमर्स नहीं बने. कोई रूमर नहीं? कभी स्कैंडल नहीं, कुछ नहीं. ओके, घर में या स्कूल में बचपन में क्या कहकर चढ़ाया जाता था? कोई चिढ़ोगी उनकी मतलब? लंबू. चिड़ तो नहीं है यार ये? नहीं, क्योंकि उस एज में आपको समझ में नहीं आ रहा होता. उस एज में आपको लगता है कि आपकी तो सारी दोस्तें इतनी इतनी हैं, तो आप अलग से एक अलग पोल टाइप लंबी सी लग रही है ना. पोल टाइप. और मैं तो बहुत सूखी थी, बिल्कुल कांटा सूखी लंबी, और धूप में खेल खेल के बिल्कुल ब्लैक आउट. तो ना सब लंबा डंडा कुछ इस तरह करके ना बोलते थे. तो हमारे यहाँ है ना लोगों में ये आदत बॉडी शेमिंग की. बॉडी शेमिंग तो बहुत कॉमन है. वो बस वो था, लेकिन वो तो बाद में पता चला कि इस हाइट के फायदे. फिर बाद में आपने बोला हाँ बता आप कौन लंबू हैं? मुझे जब मैं मॉडलिंग करती थी मुझे लगता था काश मैं 2 इंच और लंबी हो जाती. और लंबा होना था आपको? क्योंकि जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की उसमें मैं सबसे छोटे कद की थी.
वाकई सबसे छोटा कद मेरा था, मैं सबसे आगे खड़ी होती थी। ये कौन रेसलर लड़की आ गई हमारे यहाँ पे इतनी विलंबित? नहीं, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे ये इरज, विनी, जोयला, बीबी, मतलब वो सारी वो वाली मॉडल्स थी जो सब 5'8", 5'9", 5'10", 5'11" उस तरह से थी। वाह वाह। ओके जी, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, चाय या लस्सी? पानी, जो ऑप्शन मिल गया ही नहीं। या नमकीन लस्सी? नमकीन लस्सी। हाँ, ये किरदार मैं कभी नहीं करूंगी, सास, नन, बहू, जेठानी, देवरानी या फूफो? क्यों नहीं करूंगी? करूंगी, सब कैरेक्टर्स सब करूंगी, कोई काम नहीं छोड़ूंगी मैं। ओके, कौन सा गाना है जिसे आप गुनगुनाए बगैर रह नहीं सकती? नहीं, ऐसा नहीं है, मगर ये कि आजकल बड़े अच्छे अच्छे गाने हैं, जैसे मुझे आजकल वो कैफी का उस कहानी सुनो, बहुत पूरे पाकिस्तान बल्कि उस वक्त पूरी दुनिया में लोग आ रहे हैं, ग्लोबली नंबर 8 पर है वो उस वक्त। और एक और है इंग्लिश गाना बहुत पुराना, 500 miles, वो मुझे अक्सर मैं गुनगुनाती रहती हूँ। अगला सवाल, कौन है जो इन किरदारों को बेहतरीन अदा कर सकता है? डाकिया, नुमान एजाज, ओके, रेडी वाला, फहद भाई, ओके, ड्राइवर, फैसल कुरैशी, चौकीदार, एसन खान, भाई, हियर एंड देयर चौकीदार, ओके, कैशियर, अहमद अली अकबर, वेरी गुड। अच्छा, आखिरी सवाल और सबसे मुश्किल सवाल आपके लिए, एक्टिंग या मॉडलिंग? नहीं, एक चीज नहीं चूज हो, एक करनी है भाई। एक्टिंग का अलग मजा है, मॉडलिंग का अलग मजा है, दोनों अलग अलग फील्ड्स हैं, आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है। चीजों का बहुत सारी चीजों का बहुत सारा मजा है, कोई एक छोड़नी है आपको जो आपके दिल के करीब? एक्टिंग। एक्टिंग छोड़ देंगी? नहीं, छोड़ दूंगी नहीं, जो पसंद है। हां, एक्टिंग करेंगी, हां, मॉडलिंग छोड़ देंगी? मॉडलिंग तो मैंने ऑलमोस्ट छोड़ ही दी। हां।